आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे भाई, अभी भूल गए थे। आप भैया मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क के लिए मनाई है क्या? मनाई नहीं, एक आदत नहीं है और क्या, आदत डालनी पड़ेगी जी। अब आदत डालनी पड़ेगी। आपको मालूम है एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ चला है, मास्क आपने नहीं पहना। मेरा खर्चा आप चलाओगे? नहीं नहीं, ये तो मेरा खर्चा आप चलाओगे? व्हाट इज दिस, क्या है कोरोना? ये तो हेल्थ की बात है। हेल्थ की बात आपसे अच्छी है। देश में कोरोना संक्रमण के सेकेंड वेव के साथ ही कोरोना संक्रमितों की रफ्तार भी बढ़ती चली जा रही है। इसका असर वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 22 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो दो माह पूर्व 35 मरीज मिले थे। अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या एक शतक के पार पहुंच चुकी है, जो 105 तक आ गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मृतकों की संख्या बढ़ नहीं रही है। इसके साथ ही देखा जा सकता है कि बगैर किसी एहतियात के लोग चल रहे हैं जी। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? अरे भाई, अभी भूल गए थे। तो लगातार लोग कह रहे हैं कि आप भैया मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क के लिए मनाही है क्या? मनाही नहीं, एक आदत नहीं है और क्या, आदत डालनी पड़ेगी जी। अब आदत डालनी पड़ेगी, अभी तक भूले हुए थे, फिर से आदत डालनी होगी। तो लोग कह रहे हैं कि अभी तक भूले हुए थे, लेकिन फिर से वो आदत में ये इन चीज़ों को लाएंगे। देख सकते हैं इस समय वाराणसी के मदागिन चौराहे पर हम हैं और किस तरह से लोग बगैर मास्क के ही घूम रहे हैं, और इनको किसी तरह के डर या भय देखने में नहीं मिल रहा है। जी भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? राजा दरवाज़ा। ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क लिए हैं, अभी लगाएंगे। कोरोना बढ़ रहा है तो मालूम है। हाँ हाँ, तो मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे अभी लगाए थे, अभी निकाल लिए, यहाँ आकर फिर लगा लेंगे। हाँ हाँ, तो लोगों का कहना है कि मास्क लगाएंगे, और अभी इन्हीं वजहों से वो मास्क नहीं लगा पाए थे। जी आप कहाँ जा रहे हैं? काम पर। तो आपको मालूम है कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ चला है, आप मास्क क्यों नहीं लगाएं? सॉरी। एक और सज्जन है भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? शॉप पे जा रहा हूँ। आपको मालूम है एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ चला है, मास्क आपने नहीं पहना। मेरा खर्चा आप चलाओगे? नहीं नहीं, ये तो मेरा खर्चा आप चलाओगे? व्हाट इज दिस, क्या है कोरोना? ये तो हेल्थ की बात है। हेल्थ की बात आपसे अच्छी है। अच्छा अच्छा, तो देखिए इनका अपने अपने ही अंदाज में लोगों का जो बहाना है वो देखने को मिल रहा है। और साफ साफ लोग कह रहे हैं कि कुछ छात्राएं भी हैं जो जा रही हैं, यहाँ से गुजर रही हैं, इनसे पूछते हैं आप लोग मास्क नहीं लगाई हैं? नहीं नहीं, लाए नहीं। तो किसी को फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है, और लोग अभी भी निडर हैं और मास्क के प्रति एकदम से लापरवाह दिख रहे हैं। जी भाई, जा सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? जॉब पे जा रहे हैं। और मास्क नहीं लगाए? मास्क रखे हुए हैं, अभी साफ करने के लिए भी नया लिया जाएगा। आपको मालूम है एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है? जान रहे हैं, पहली बात की यह है कि यहाँ पे लोग को भी सुविधा देखना चाहिए। अब कोरोना का कोई वो नहीं है ऐसे ज़्यादा। अब कोरोना खत्म हो गया है? हल्का फुल्का तो खत्म ही हो चुका है। मास्क नहीं लगाए हैं? नहीं, मास्क लगा लिया जाएगा ना, जब समय तो यूज किया जाता है। अभी अकेले चले तो क्या लगाएं, तीन चार लोग ग्रुप बना रहे तो मास्क आदमी लगा लेता है। आप मास्क रखे हैं कि नहीं रखे? मान लीजिए ग्रुप बन गया या अभी दुकान पर जाएंगे, हमारे पास सब सुविधा है। अच्छा, अभी ऐसे ही चल रहा है? अभी कितना दूर हमारा घर ही, उस पर हमारा घर है, इधर सामने जॉब है हमारा। आपका कहना है कि मास्क लेके भी नहीं चलना ठीक है? नहीं नहीं, लेकर चलिए, मास्क लगे चलिए, सैनिटाइजर लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ हैं कुछ महिलाएं, यहाँ से गुजर रही हैं, इनसे पूछते हैं। जी जी, रुकिए एक सेकंड, आप मास्क क्यों नहीं लगाएंगे? एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है। मास्क लिए नहीं, मास्क घर पर भूल गए हैं। भूल गए? तो अगर मान लीजिए कहीं भीड़ वाली जगह पे आपको जाना पड़ रहा हो, या फंस जाए ऐसी जगह भीड़ जहाँ हो, तो वहाँ क्या करेंगे? तो मैं भीड़ में नहीं, पास ही में जाना है। तो आपको मालूम है एक बार फिर से बनारस में भी कोरोना बढ़ रहा है, तो मास्क क्यों नहीं लगा रही हैं? लेके आते थे, आज भूल गए हैं, जल्दी में भूल गए हैं। तो बनारस में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग बहाने हैं। कोई कह रहा है कि वो भूल गया है, कोई कह रहा है उसको भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, लेकिन
बजाय इसके लोगों को अब एहतियात बरतना होगा, क्योंकि कहीं से भी मास्क से हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही लोगों को काफ़ी हद तक अब ध्यान देना होगा, क्योंकि बनारस में भी कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती चली जा रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।